हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे वो मेंस की तैयारियों में नहीं लगे हुए थे, तो आज इस वीडियो के बाद आप लोग मेंस की तैयारियों में लग जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों का तिथि घोषित कर दी गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे वे लगातार ये बोल रहे थे कि आप लोगों का जो आरक्षण के वजह से जो अभी तक की सभी भर्ती रुकी हुई है, तो इसका भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आरक्षण के वजह से अभी कोई भर्ती नहीं रुकी है। क्या कहना है, ये सभी बातें हम लोग देखने वाले हैं कि कब तक हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और हम लोगों की जो मेंस की पेपर है वो कब तक होने की संभावना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बातें हम लोग जान ले रहे हैं कि जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। पिछले साल पर्यवेक्षक, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर समेत कई भर्ती परीक्षाएं हुई, इस बार प्रस्ताव तक नहीं। मतलब कि इस बार अभी तक कोई प्रस्ताव ही नहीं बना है कि आप लोगों का कुछ परीक्षा होगा या नहीं। 6 महीने से व्यापम में कोई नई वैकेंसी नहीं, केवल एक परीक्षा हुई, उसके लिए भी आवेदन पहले ही जमा हुए थे। ये सभी बातें आज के पेपर में छपी हुई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का SI भर्ती का परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में साफ साफ बताया हुआ है कि आप लोगों का जो SI भर्ती परीक्षा था उसका देखिए क्या बताया गया है। पुलिस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे इसी महीने का मतलब क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। पुलिस की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे इसी महीने जारी होने की संभावना है। व्यापम से इसकी तैयारी की जा रही है। पिछले महीने आयोजित की गई थी परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को कितने नंबर मिले यह जारी किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि आप लोगों का फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के आपके फर्स्ट वीक में आप लोगों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कितने गुने आप लोगों का पेपर में बैठने की संभावना है, जो मेंस में बैठेंगे कितना ज़्यादा, क्योंकि 1000 के करीबन में आप लोग का वैकेंसी था, 900 समथिंग। ठीक है, तो उससे ज़्यादा ही आप लोगों का लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 975 आप लोगों का वैकेंसी था, उसमें 63,000 लोग इसमें आवेदन किए हुए थे और परीक्षा दिए थे। 63,000 लोग परीक्षा दे के आ चुके हैं, इनका परिणाम आना है। अब ये परिणाम आप लोगों का फरवरी के लास्ट तक और मार्च के फर्स्ट तक आप लोग का परीक्षा परिणाम आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको परीक्षा परिणाम देखना है, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही आप लोगों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है, तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे ये पूरी जानकारी उसमें दे दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे के व्यापम के किसी भी अपडेट के लिए। ठीक है,